नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और इस समय हम हैं मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में। यहाँ पर आज 7वां दीक्षांत समारोह मनाया गया है और 39 बच्चों को मेडल दिया गया है। राज्यपाल महोदया ने अपने हाथों से बच्चों को मेडल पहनाया और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। लेकिन इस समय हम जो जहाँ खड़े हैं ये उसके हॉल के ठीक बगल का हिस्सा है और यहाँ पर जो है इस मौके पर, इस दीक्षांत के मौके पर यहाँ के छात्रों द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया गया। एग्जीबिशन में जो बच्चों ने इन्वेंशन किया है या बच्चों ने जो नई चीज़ें डेवलप की हैं उसे दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नई नई गाड़ियाँ, ये आपको कुछ अलग अंदाज में दिख रही होंगी। ऐसा आपने रेसर्स गाड़ियों के को देखा होगा जब विदेशों में, अपने देश में भी अब तो होने शुरू हो गई है, जब गाड़ियों की रेस होती है तो इस तरह की गाड़ियाँ आपको देखने को मिलती है। हमारे साथ इस जो है जो इस तकनीकी जिस इसको डेवलप किया गया है उससे जुड़े हुए लोग हैं, पूरी टीम है, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है और कैसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका और अपना परिचय बता दीजिए। जी सर, मेरा नाम धीरेंद्र सिंह है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ और मैं SAE का फैकल्टी कोऑर्डिनेटर भी हूँ। और ये हमने जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर बच्चों की हेल्प से, दो गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं जी, एक SAE बाहा है और एक SAE सुप्रा ये, है। ये इसका क्या नाम है? ये SAE सुप्रा है और ये SAE बाहा है। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लें, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मुझे ये बताइए ये किस तरह की गाड़ी है और इसका किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है? SAE सुप्रा का मेनली जो पर्पज़ है वो स्पीड को, मतलब स्पीड को हमें दिखाना, इन्हेंस करना है। तो जैसे मान लीजिए कभी ऐसा होता है, तो कभी ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए हेलीकॉप्टर्स हैं या मान लो कभी ऐसे ज़रूरत पड़ा जहाँ पर मतलब हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, मतलब तो क्या है कि इजीली अगर पहुँचना है, बहुत स्पीड से जाना है, तब इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसको हम लोगों ने जो मतलब यूज किया है, SAE सुप्रा करके एक इवेंट होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर, नेशनल लेवल पर होता है, तो उस पर ये एक मतलब पर्टिकुलर डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से कि हमको इतना इसको मेंटेन करना है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, देन वहाँ पर इसको हम लोग कम्प्लीट कराते हैं। और इस बार क्या क्या आपने लगाया है, कैसे कैसे बनाया है, कुछ इसके बारे में कंप्लीमेंट के बारे में समझाइए कि तो क्या सा इंजन, कौन सा इंजन इस्तेमाल किया, कौन सा टायर इस्तेमाल किया, उसको दिखाते हुए बताइए ताकि दर्शक समझ सके। यहाँ पर मेनली यहाँ पर KTM इंजन यूज हुआ है। ये इंजन जो है KTM इंजन, कितने हॉर्स पावर का होगा, क्या होगा? ये अप्रॉक्स 250 या 270 के आसपास सीसी का है जी। तो ये आपने KTM का इंजन यहाँ पर लगाया, फिट किया जी। और इसके अलावा और किन किन गाड़ियों के पार्ट लगे हैं इसमें? और मेनली यहाँ पर जो भी मतलब फैब्रिकेशन हुआ स्टूडेंट्स ने ही अपने मतलब नॉलेज के बेसिस पे किया, और जैसे ब्रेक्स हो गए और जो भी हमारा ये एक्सेलरेशन स्टीयरिंग हो गया, तो ये सब पहले से ही प्री डिफाइंड है और उसके हिसाब से बच्चों ने उसको डिज़ाइन करके देन इसको एक्सप्लेन किया। हाँ नहीं, बच्चों से जो किन लोगों ने इसको बनाने में अहम भूमिका निभाई उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादा एक्सप्लेन ये लोग स्टूडेंट्स जो बनाए हैं ये कर लेते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप सिंह, आप बीटेक के छात्र हैं? यस सर, बीटेक। कौन से वर्ष? सर थर्ड ईयर। थर्ड ईयर, आप भाई साहब? सर, मैं अंकित शुक्ला मैकेनिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। आप भी? मैं अभिषेक मिश्रा मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। और आप भी इसमें शामिल हैं? सुनीत सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच बीटेक। आप लोग दोनों लोग भी हैं इसमें? जी सर, बता दीजिए अपना। जी यथार्थ सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थर्ड ईयर। ओके, आपका? रोहित पासवान मैकेनिकल इंजीनियर बीटेक थर्ड ईयर। ओके, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि जो सबसे पहले इसमें चैलेंजेस आए, कौन बताएगा कि सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे जिसको आप? सबसे बड़ा चैलेंज जो आया सर वो डिज़ाइन करने में आया कि गाड़ी को किस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि गाड़ी हाई स्पीड पे चले और ना ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम फेस हो, सेफ्टी इशू। यस सर, मतलब सबसे पहला ध्यान जो हमने किया वो सेफ्टी का हो कि ड्राइवर पूरी सेफ्टी से हो और जो ऑब्जर्वर अगर गाड़ी को देख रहा हो तो एक उसको क्लियर लुक मिल रहा हो, ये था सर सबसे पहले। उसके बाद सर हमने डिज़ाइन शुरू किया, डिज़ाइन जब पूरा हमने कंप्लीट कर लिया फिर सर हमने अपने मैकेनिकल वर्कशॉप में सर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की, इसकी फैब्रिकेशन स्टार्ट की। तो सबसे पहले हम लोगों ने सर चेसिस को डिज़ाइन किया। चेसिस सर ये रोल के जो आपको ब्लू कलर में दिखा, हाँ यस सर, पहले हम लोगों ने चेसिस डिज़ाइन किया, फिर हम लोगों ने अपना इंजन माउंटिंग का प्रक्रिया स्टार्ट किया सर। तो फिर KTM, यस सर, ये KTM 390 का इंजन है जिसका सर जो 373 सीसी का इंजन है सर, इसको फिर हमने माउंट कर दिया इस पर। उसके बाद सर बात आई हम लोग की सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम वो सिस्टम होता है सर कि गाड़ी जब चले तो ड्राइवर को एक स्मूथ ट्रैवल फील हो, मतलब बहुत ज़्यादा, हाँ यस सर, कम्फर्ट फील करे ड्राइवर, तो उसके लिए सर हम लोगों ने सस्पेंशन डिज़ाइन किया और फिर सस्पेंशन को हम लोगों ने एक तरीके से माउंट कर दिया सर। उसके बाद सर फिर चैलेंज आ गया सर हम लोग के स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग के सर कुछ रूल्स थे तो उन रूल्स को हम लोगों ने फॉलो करते हुए अपना स्टीयरिंग सिस्टम। गवर्नमेंट रूल्स हैं क्या? नहीं सर, ये जो कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं हम लोग, ऐसे ही सुप्रा इंडिया 2022 में पार्ट लिया तो सर उसकी एक रूल बुक आती है, तो उस रूल के अनुसार जितनी
रूल्स थी सर, तो उनको फॉलो करते हुए हम लोगों ने इस गाड़ी को फैब्रिकेट किया है सर। फिर सर ब्रेकिंग स्टीयरिंग हो गया सर, फिर हम लोगों ने ब्रेकिंग पे काम स्टार्ट किया, और ब्रेकिंग पे स्टार्ट किया सर, फिर हम लोगों ने, आप देख सकते हैं यहाँ ये नकल होता है सर, ये डिस्क हब और कैलिपर्स को हम लोगों ने एक साथ असेंबल किया सर। और फिर उसके बाद सर हम लोगों ने ड्राइवर की सीट असेंबली और सर बॉडी पैनल को जोड़ा, और सर 19 अगस्त को हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुए सर गाड़ी को लेके। तो आप लोगों ने वहाँ आप इसका परफॉर्मेंस ये सर इसका सर परफॉर्मेंस ऑल इंडिया रैंक 31st हमने अचीव किया ओवरऑल सर। कितने 80 टीम्स सर, 80 में से 31 रैंक। यस सर 30 ये तो गोरखपुर के लिए और इस यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात। धन्यवाद सर। और भी लोगों से बात करना चाहेंगे, आप इधर आ जाइए। मुझे ये बताइए इसके स्टेयरिंग के बारे में कौन समझा सकता है बेहतर? स्टेयरिंग के बारे में मैं दरअसल पावर ट्रांसमिशन हेड हूं। अच्छा, तो मैं ये इंजन के बारे में ज्यादा और वायरिंग के बारे में ज्यादा, स्टेयरिंग के बारे में कौन बताएंगे आप बता सकते हैं मुझे? आप इसमें बैठ के बताइए कि आप कैसे कोई कंफर्टेबली कैसे बैठ सकता है, और कैसे फिर कौन कौन सा कंट्रोल कहाँ पे है, कैसे क्या कर सकते हैं सर? ड्राइवर की जो सीट है सर उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं कि ड्राइवर का जो इस तरह से ड्राइवर आसानी से बैठ सकता है। यस सर, इस तरह से बैठ। और सर इसका एक पार्टिकुलर रूल होता है कि अगर ड्राइवर कोई दिक्कत फील करे तो ड्राइवर को 5 सेकंड के अंदर गाड़ी से निकलना होता है सर, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के पर्पस। अब मुझे बताइए आप यहाँ पर क्या कौन कौन से स्विच हैं? इधर से दिखाएंगे तो स्विच, इधर से दिखाइए ये स्विच। हाँ बताइए, ये किल स्विच है, इससे क्या होता है? ये गाड़ी ऑन या फिर ऑफ हो सकती है। अभी बैटरी आप कनेक्ट करेंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगी। और ये क्या स्विच है? ये रेडिएटर है, जब भी गाड़ी स्टार्ट होगी और हम मेरे को लगेगा कि इंजन मतलब हीट होना चालू हुआ तो मैं यहाँ से रेडिएटर ऑन कर दूंगा। उससे क्या होता है? उससे रेडिएटर का हीट जो है वो कूलेंट के द्वारा वो ठंडा कर देगा, मतलब ये कूलेंट ऑन करने का ऑप्शन है। और ये मेरा सेल्फ है, ओके, इससे गाड़ी स्टार्ट होगी। और ये क्या है फिर? ये किल स्विच है, मतलब गाड़ी ऑफ हो जाएगी। ओके ओके, इससे ऑन रहेगी चाबी जैसी चाबी। और ये गियर है, एक पीछे लगता है बाकी आगे। इसमें बैक भी होता है गाड़ी? नहीं नहीं, बैक नहीं होती है, पीछे मतलब क्या? पीछे मतलब एक नंबर पीछे, बाकी दो। अच्छा, तीन चार मतलब आगे। सबसे पहले करेंगे तो पहला नंबर में, इसमें न्यूट्रल जैसा कुछ नहीं होता? न्यूट्रल होता है, एक नंबर के बाद बीच में न्यूट्रल होगा। अच्छा, उसके बाद फिर सेकंड थर्ड आगे लगेगा। ओके, यानी कि जैसे एक गियर पीछे है और बाकी सब आगे। बाकी सब आगे। और बाकी अंदर क्लच है, ये ब्रेक और ये एक्सेलरेटर, यानी कि जैसे कार्स में होते हैं नॉर्मली। जैसे कार्स में नॉर्मली होते हैं। ओके ओके ओके। और इसके अलावा बहुत मतलब बहुत ताम झाम आप लोगों ने अभी नहीं बनाया इसमें, ना उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइए कि कितनी वेट ये उठा सकता है, कैसे क्या है सर? जो इस चेसिस का वजन है सर वो 36 kg, और जो एवरेज ड्राइवर हम लोग लेते हैं सर उसका एवरेज वेट जो होता है वो 70 kg है। और सर 70 kg पे हम लोगों ने, ये हमारे अश्विनी सिंह जो हैं ये ड्राइवर हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे अश्विनी और A+। अच्छा, तो इसको बैठा के सर हम लोगों ने इस गाड़ी की 120 km/h टॉप स्पीड अचीव की है सर। और कितना? 120 km/h, 120 की स्पीड। यस सर, दौड़ा है। यस सर, इतना अचीव, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। यस सर, आप चला रहे थे तो कंट्रोल था 120 पर? कंट्रोल तो था सर, इस ट्रैक पर चलाए थे हम, VC सर के जो रोड है, मतलब ये था कि ट्रैक थोड़ा इसके लिए बढ़िया चाहिए तो स्पीड वहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे कौन चला था? नोएडा में? नोएडा में ही चला। वहाँ कितनी स्पीड तक ले गए थे आप? वहाँ पे सर जैसे ट्रैक पे तो 80 ही जा पाई थी। ओके, ओके। तो मतलब वहाँ पे जैसे था कि अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो साइड में ऐसा लगा हुआ था कि वो चक्का जाम कर सकता था। ओके, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हुई गाड़ी व्हीकल तो वो गाड़ी रुक जाएगी वहीं पे, चक्का जाम कर बाहर से ब्रेक लगा सकते। बाकी ब्रेक सिस्टम इसका बहुत तगड़ा, मतलब चारों पहिये में एक साथ लॉक होते हैं। कंबाइन ब्रेक है? कंबाइन ब्रेक, चारों पहिया एक साथ लॉक होगा। यानी कि कंबाइन ब्रेक जो उसको ABS ब्रेक सर इसमें इंप्लीटेड है। इस गाड़ी को बनाने में क्या करें? गाड़ी को बनाने में हम लोगों ने लगभग 4-5 महीने लिए हैं। okay. इसमें हमारे जितने भी मतलब हमारे मेंबर्स रहे हैं, मतलब मेंबर्स तो हमारे सारे टीम के साथ दिए ही हैं। कितने लोग हैं आपके? हमारे टोटल 25 मेंबर्स हैं हमारे टीम में। बाकी सर गाड़ी बनाने में और सारी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जिसमें हमारे जितने भी हमारे फैकल्टी सर लोग हैं, हमारे सीनियर्स हैं, वो लोग बहुत हमारा साथ दिए हैं। हम लोग का बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर हमारी ये सर। हमारे वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट सर हैं। अच्छा, आप वर्कशॉप हेड हैं सर? जी जी, वर्कशॉप। तो बच्चों के लिए आपने जो इतना सपोर्ट किया है, बच्चे ऑफ कैमरा भी बता रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा देख के आपको सपोर्ट बता रहे हैं, इन्होंने ऑफ कैमरा भी बताया कि आपके सपोर्ट से, या फिर कुछ ऐसे स्पॉन्सर के नाम बताया, जैसे मोदी केमिकल्स का नाम बताया और एक दो राइडर्स राइड्स अप का नाम बताया, कि उनके सहयोग से ही जब हम जब छात्र जीवन में होते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते हैं और हमें कुछ बनाने के लिए जो कई विषमताओं को झेलना पड़ता है,
तो उसमें आपका सहयोग जो है वो सराहनीय है बच्चों का, तो बच्चों की तरफ से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, देखिए मुझे कुछ कहना यही है कि हमें धन्यवाद कहने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे जो है ना सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हमारे यहाँ सोसाइटी जो है ये ऑल इंडिया लेवल पर कम्पटिशन कराती है, तो छात्रों की प्रतियोगिता है ना, तो जिसमें ये रेसर व्हीकल है और ये ऑल टेरियन व्हीकल है, इसको आप पहाड़ पर और कहीं भी लेके चले जाएंगे, तो ये दोनों ही व्हीकल बनाने के कम्पटिशन में ये लोग गए और पार्टिसिपेट किया, अच्छी रैंक लेके आए और दिन रात लग करके मेहनत इन्होंने वर्कशॉप में किया, यूनिवर्सिटी ने इनको फैसिलिटी दिया, उसका एक पार्ट मैं वर्कशॉप सुपरिंटेंडेंट हूँ, मेरे हिस्से में जो आया हमने भी अपना किया, बट मेन कंट्रीब्यूशन इन बच्चों का है। निश्चित रूप से इनका जो एंथुजियाज्म है, जो जोश है, उसके बल पे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो ये बहुत हाँ बिल्कुल बच्चे और आगे बढ़ते रहेंगे। और हम अभी बात कर रहे थे तो अब इसके बारे में हम बात कर लें। ऐसे ही वहाँ एक टीम है हमारी, उसने बनाया है, ऑल इंडिया लेवल पर इसका कम्पटिशन होता है और ये बच्चे कम्पटिशन में गए थे और इससे मतलब इतनी ताकतवर है कि इससे आप ट्रैक्टर भी खींच सकते हो, मतलब ऐसा ये बताएंगे ये वहाँ के। आ जाओ बेटा, कौन बताएगा इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स? आप इसके लीडर हैं? यस सर। इस वहाँ क्या नाम है इसका? सर ऐसे ही बाहा सर, ये SAE SAE का कुछ फुल फॉर्म भी सर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर ये लिखा हुआ है। यस सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, सर इंटरनेशनल सोसाइटी है जिसका सर एक इंडिया में सर अपना सेटअप है सर इसका। तो आप लोगों ने इसमें पहले तो मुझे बताइए कि कितने पावर का है, क्या क्या इस्तेमाल किया है, स्टार्ट करते हैं सर। आप बैठ जाइए फिर बैठ के बताइए तो लोगों को समझने में भी आसानी होगी। हाँ आप बताए थे, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रोल केज के डिज़ाइन से। हाँ। जिसके अंदर हम लोग पहले तो ध्यान देते हैं कि ड्राइवर की सेफ्टी पहले पूरी इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि सर ये व्हीकल जो बनती है ये पूरी ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है, तो जितनी भी रफ ट्रेन्स हो सकती हैं सर उसमें इसको चलना रहता है। सेकेंडली सर हमारा ये टारगेट रहता है कि ड्राइवर आपका इकोनॉमिक्स प्रॉपर रहे, कि ड्राइवर जब बैठे सर तो वो कंफर्टेबल रहे। तीसरी सर चीज़ इसमें ये रहती है कि सर हम लोग उसको रूल्स के हिसाब से बनाना रहता है। जैसे अभी हमारा एक रूल होता है, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मुझे ब्रेक पैडल और एक्सीलेटर पैडल इन दोनों को प्रेस करना होगा, उसके बाद जो मेरी नी की हाइट होगी वो 3 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पहला एक वन ऑफ द रूल्स है। उसके बाद हमारा हम लोग को हेलमेट पहनना रहता है, उसके बाद हेलमेट से हमारा लिया जाता है टॉप एरिया दिया जाता है जो कि सर 4 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो आप लोग हमारा सबसे पहले टेक्निकल इंस्पेक्शन राउंड होता है, उससे आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसके अंदर फिर हम लोग देख सकते हैं सर हमारा स्टीयरिंग पार्ट है जिसमें हम लोगों ने एंकरमेंट ज्योमेट्री यूज़ की हुई है, इसमें सर कैनमेट ज्योमेट्री यूज हुई है, ये हमारा रैक एंड पिनियन सिस्टम है, इससे कनेक्ट हुआ है सर ये टाइरॉड जो कि हमारे नकल पे जाके कनेक्ट होता है। इस नकल से सर आपको देख सकते हैं हमारा सस्पेंशन कनेक्टेड है, इसको बोला जाता है सर डबल विशबोन सस्पेंशन और ए आर्म सस्पेंशन, और ये आपका फॉक्स फ्लूट के डैम्पर्स यूज होते हैं इसके अंदर। इससे क्या बेनिफिट है? इससे बेनिफिट ये रहता है सर कि हमारा जो कैम्बर वेरिएशन होता है और कैम्बर वेरिएशन जो होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं, और सर ये इजी टू डिज़ाइन होती है, लाइट वेट होती है बाकी सस्पेंशन से। तो ये बताइए इसमें इंजन जो आप लोगों ने लगाया है वो किस चीज़ का इंजन है? इंजन जो हम लोगों ने यूज़ किया है सर ये हम लोग का स्पेसिफाइड रहता है रूल के हिसाब से, जो कि ब्रिक्स एंड स्टैटन का रहता है सर, जिसकी सर 305 cc का 305 cc का होता है सर, और 10 हॉर्स पावर का होता है सर, और 3800 rpm का इसमें सर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पेट्रोल यूज करते हैं इंजन के लिए? सर ये सर पेट्रोल यूज होता है। तो क्या माइलेज है? सर ये 5 to 7 kilometers पर आर पर जो है किलोमीटर दे देती है सर। ठीक सर, मतलब 1 लीटर में 5 से 7 किलोमीटर में सर जा सकती है आराम से। सर एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँ, ये जो अभी स्टिकर्स देख रहे हैं ये सारे हमने टेस्ट क्वालिफाई किए हैं, जिसके ये एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको हमने क्लियर किया है, इधर सर वेट टेस्ट है, वैलिडेशन इवेंट है, ये सारे हमने क्रैक किए हैं, और ये इंजन का है, इंजन भी प्रॉपर सही है इसका, सर्टिफिकेशन है, एक एक प्रोसेस इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है हमारा सेफ्टी स्क्रूटनी टेस्ट से। इसमें सर जैसे मैंने आपको बताया था सर पूरी ड्राइवर की पूरे ड्राइवर की सेफ्टी चेक होती है, रोल किट चेक होगा, ड्राइवर की सेफ्टी इक्विपमेंट चेक किए जाएंगे, उसके बाद सर हमारा ब्रेक टेस्ट होता है सर। ब्रेक टेस्ट का ये रूल रहता है पैनिक ब्रेकिंग टेस्ट होता है, इसके अंदर में क्या किया जाता है कि आपको 200 फीट की डिस्टेंस मिलेगी, आपको उसमें गाड़ी को स्ट्रेट रन कराना है, और सर आपको फिर 200 फीट के बाद एक लाइन बनी रहेगी, आपको वहाँ पर रोकना होगा, और आपकी गाड़ी की स्पीड उस टाइम पे 40 किलोमीटर पर आर होनी चाहिए, और वो 8 मीटर के अंदर आपकी गाड़ी पूरी रुक जानी खड़ी हो जानी खड़ी हो जानी चाहिए। सर उसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे हार्ड ब्रेक सबसे हार्ड ब्रेक होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट सबसे बात है कि हमें 8 मीटर के अंदर तो रोकना ही है, लेकिन ये जो चारों टायर्स हैं ये एक साथ रुकने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, लॉक होने चाहिए, एक साथ पे लॉक होने चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो तो आप वहीं पे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसका रूल बहुत टफ है, बहुत टफ है, ब्रेक टेस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हम लोग की सर। इसमें बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं इस बार सर। 110+ टीम्स थी जिसमें सर सिर्फ ब्रेक टेस्ट क्वालीफाई करने के बाद सिर्फ 37 टीम्स बची हुई थी, उसमें से सर हम लोग बचे हुए थे।
मतलब उन्होंने वो उस स्टैंडर्ड पर बनाई नहीं पाए वो लोग, और वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गए वो लोग वहाँ से। चलिए तो ये और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ये दोनों गाड़ियाँ जो हमारी बन रही हैं या फिर बनते आ रही हैं हमारे सीनियर्स द्वारा हमारे द्वारा, ये आईसी इंजन लैब में बनती हैं, एक हमारा लैब है वर्कशॉप का वहाँ बनती हैं, जिसके हमारे ओसी हैं हमारे प्रोफेसर प्रशांत सैनी सर, ये इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मतलब रोल रहा है हमारे गाड़ी को बनाने में। ठीक है तो आप सर हैं प्रशांत सर? जी 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 प्रशांत सैनी। आप चाहें तो इस गाड़ी का जो भी दिया हुआ है कि ये गाड़ी मतलब किस इंडिया में किस लेवल पे आई, जैसा कि बच्चों ने बताया कि इंडिया में जो है इसने 47वीं रैंक हासिल की, तो मेनली हम लोगों का मोटो यही रहता है ऑल ओवर इंडिया AIR ऑल इंडिया रैंक जो है उसकी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि 500 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट UP में ही हैं, तो ऑल इंडिया में कितने इंस्टीट्यूट नहीं होंगे, और उसमें हम लोग 47 पे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही गर्व की बात है कि बच्चों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बैनर के नीचे काम करते हुए विश्वविद्यालय को जो है ऊंचाइयों की ऊंचाई तक ले गए और उस दिशा में वर्क कर रहे हैं। तो बेसिकली मैं इसके लिए अपने सभी सहयोगियों का भी कि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो कभी भी, अगर जैसे वो मेरी लैब में काम करते हैं आईसी इंजन एंड ऑटोमोबाइल लैब में या फिर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम लैब में, तो एज ए ओसी मेरा हमेशा यही मानना रहता है कि अगर बच्चे मुझसे निवेदन करते हैं कि सर जो है काम अभी नहीं ख़त्म हो पाया है, आप कुछ प्लीज़ जो है इसको 8 बजे 10 बजे हाँ 10 बजे तक सर प्लीज़ 8 बजे तक कर दीजिए, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट करके आ जाइए और शाम को 8 बजे 8:30 बजे तक वर्क करिए। उसके लिए मैं जो है कार्यशाला अधीक्षक महोदय भी हैं यहाँ पर, उनकी उनके साथ में सहमति लेते हुए, और हमारे जो है लैब टेक्नीशियन है मिश्रा जी, अशोक मिश्रा जी, तो इनका भी बहुत योगदान रहता है। आइए मिश्रा जी आप भी जो है ना, इनका भी इसलिए योगदान रहता है कि ये बेसिकली ये जैसे अब मैं तो एक प्रोफेसर हूँ तो मुझे क्लास में भी जाना रहता है, मैं 24 घंटे लैब में नहीं उपस्थित रह सकता हूँ और भी सारी मीटिंग्स हैं, लेकिन मिश्रा जी जो है हमेशा जो है उस लैब के चूंकि टेक्नीशियन है तो इन्हीं के अंडर में लैब रहती है, तो ये हमेशा वहाँ पर उपस्थित रहते हैं बच्चों की मदद करने के लिए। कोई भी काम जैसे जब तक टीम नहीं पूरा इन्वॉल्व होती है और डेडिकेशन पूरे टीम का नहीं होता है, तो आप सब लोग एक टीम के हिस्सा हैं, तो बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं क्या कहेंगे। पहले तो दोनों गाड़ी के टीम को बहुत बहुत शुभकामना, और मेरा मानना यह है कि अगर इनको सपोर्ट मिले विश्वविद्यालय से धन से और जो भी इनको आवश्यकता उस तरह से अगर धन मिले जो भी सपोर्ट चाहिए अगर विश्वविद्यालय देगा तो ये हेलीकॉप्टर जहाज बनाने में कोई देर नहीं लगाएंगे लोग, बना देंगे। ये मैं देखा हूँ और दोनों गाड़ी मेरे सामने बनी है और मैं जानता हूँ इनके अंदर कितना टैलेंट है, अगर इनको सुविधा दी जाएगी तो कुछ भी बनाने के लिए सक्षम है। अच्छा अनूप तुम बताओ, जैसे अगर कोई हम पब्लिक से डिमांड करना चाहें, जैसे पब्लिक अगर जैसे कुछ लोग जो उद्योगपति हैं या बिजनेसमैन हैं वो इस इनोवेशन में कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं या किस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत तुम लोगों को पड़ती होगी जो और मतलब लोग करना चाहें, जैसे कई ऐसे NGO हैं जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या सोशल कॉज के लिए भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आगे आते हैं, तो किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती होगी जो मिले तो और तुम लोग और बेहतर कर पाओगे। सर जैसे कि सबसे पहले किसी भी चीज़ की डिज़ाइन के लिए हमें चाहिए होती है सब सर थोड़ा धन चाहिए होता है पैसा, तो अगर पैसा मिले तो सब और भी अच्छा कर सकते हैं। इसके लिए सर हम बहुत सारी NGO से कुछ सर मल्टीनेशनल कंपनियों से भी कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमें कुछ वो अगर धन दे दें तो हम इसमें कुछ और सुधार कर सकें। बदले में आप उनको स्पॉन्सर सर हम उनको शो करते हैं कि हमारे स्पॉन्सर हैं, जैसे कि हमने बात अगर कोई इस वीडियो को देख रहा हो चाहे वो व्यापारी हो सकता है या उद्योगपति हो या प्रॉपर्टी डीलर हो सकता है या किसी डॉक्टर हो सकता है, अगर वो छोटे से ही कंट्रीब्यूशन जैसे मान लो हर कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता हो सकता छोटा ही कंट्रीब्यूशन करना चाहे तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है तुम लोगों से। सर हमारा ऐसे ही का पेज है, ऐसे ही बाहर का भी पेज है, ऐसे ही सुप्रा का भी पेज है सर, हम उस पे हमारे सर कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिए गए हैं कि अगर वो अगर अपना नंबर बता सको या टीम के किसी का, ताकि कई बार ऐसा होता है ना लोग पूछते हैं कि हम इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया है, हम भी चाहते हैं कि हम इनका कुछ सहयोग कर दें कुछ सपोर्ट कर दें, तो कैसे करें, तो वो चीज़ जानकारी उनको नहीं मिल पाती है तो वो नहीं कर पाते हैं, तो खैर कोई कांटेक्ट नंबर या ऑफिस का एड्रेस या कुछ भी किसी रिस्पॉन्सिबल पर्सन का जैसे वो आके मिल सके या ऐसे कर सके। तो ये सर जैसे कि पहला तो है कि जैसे कि ऑनलाइन का जमाना है तो फेसबुक पे हमारा पेज है सर, इसमें एक चीज़ मैं रोकना चाहूँगा, ऑनलाइन हम लोगों के लिए है मतलब जो टेक्निकल फील्ड से हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो पुराने व्यवसायी हैं जो या जो इस क्रिएटिव चीज़ों पर बिलीव करते हैं ना वो अभी भी ऑनलाइन का उतना ही इस्तेमाल करते हैं जितनी उनकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत
है तो ही यूज करते हैं वरना उसे, तो कोई ऐसा कॉन्टेक्ट या ऐसा बताओ सर, वो हमारे विश्वविद्यालय परिषद में परिसर में आ सकते हैं, गेट पे अगर वो कहेंगे कि उन्हें मैकेनिकल किस अधिकारी से मिलने, तो सर वो हमारे सर फैकल्टी एडवाइजर सर धीरेन्द्र सर से मिलने, सर डब्ल्यू एस सर अंजनी सर से मिलने। सर आप लोग का ऑफिस का एड्रेस क्या है, कैसे? सर ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहते हैं सर। जैसे जो भी अगर हम लोगों को या हमारे बच्चों को आप लोग अगर सपोर्ट करना चाहते हैं या फाइनेंशियली या किसी भी प्रकार से, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए जो एसएई के बैनर के नीचे जो है हमारे डिपार्टमेंट ने एक जो है एडवाइज़र नियुक्त किया है जिनका नाम जो है मिस्टर धीरेन्द्र सिंह है, और तो ये जो है बेसिकली उस एसएई के बैनर के नीचे विभाग के और जो है जितने भी कार्यक्रम इस एक्टिविटी में होते हैं उन सब के इंचार्ज यही हैं। तो इनका मोबाइल नंबर वेबसाइट में उपलब्ध है, या नहीं तो मैं बता भी सकता हूँ, 9235553252 इस नंबर पर इनको संपर्क किया जा सकता है, और जो भी जिस प्रकार से भी आप मदद करना चाहते हैं आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। तो आपके मदद से हो सकता है कि बच्चे जो है और बेहतर करें, और उसमें आप उसको आप भविष्य में, कई ऐसी कंपनियां भी जो कमर्शियली ऐसे लोगों को इनवाइट करती हैं कि आप हमारी कंपनी के लिए कुछ बेहतर बनाइए, इस तरह का इन्वेंशन करिए, या वो तो वो लोग भी आगे आ सकते हैं, वो लोग भी बढ़ सकते हैं अपने, अगर किसी को अपने छोटी सी अगर किसी कंपनी है उसके लिए कुछ डिज़ाइन बनवाना चाहता है या कुछ इस तरह के मैकेनिकल चीज़ें बनवाना चाहता है, तो वो भी इन छात्रों से कांटेक्ट कर सकता है या ऐसे सोसाइटी से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये एक अच्छी पहल है, और आपको भी इस इन्वेंशन का साक्षी बनना चाहिए, और आप इन कारों को एक बार फिर से दिखा दीजिए। ये जो दो बेहतरीन कार्य देख रहे हैं, ये मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी संस्थान में है, और यहाँ पर प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में है, और यहाँ पर इन बच्चों ने जो ये बनाया है इसको आप, अच्छा ये क्या आम दिनों में भी कोई एक चीज में और इसके साथ में जो है जोड़ना चाहूँगा कि जैसे ये आप देख रहे होंगे हमारे मित्र के माध्यम से कि वो आपको दिखा रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि जो है दो गाड़ियाँ बनी हैं, तो ऐसा ये मतलब नहीं है कि ये आखिरी बार या कोई पहली बार बनी है, अगले साल ये इवेंट्स फिर से किसी भारत के किसी शहर में फिर से जो है कराए जाएंगे इसी एक्टिविटी एसएई के थ्रू। और तो जो है मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे तो बच्चे हमारे जो है स्पॉन्सरशिप नो डाउट जाते हैं और लेके आते भी हैं, लेकिन उसमें विश्वविद्यालय का भी सहयोग रहता है, पूर्णतया हम इस बात को नकार नहीं सकते कि विश्वविद्यालय इसमें मदद नहीं करता है, टेक्निकली भी मदद करता है और विश्वविद्यालय फाइनेंशियली भी मदद करता है, बट विश्वविद्यालय ये चाहता है कि आप जितना बाहर से आपको एक्सप्लोरेशन मिलेगा अगर आप बाहर से स्पॉन्सरशिप लाएंगे तो बाहर से भी लाते हैं, और जो घटता है पैसा वो विश्वविद्यालय लगाता भी है। तो विश्वविद्यालय की मदद की एक लिमिट होती होगी या वो तो उससे जो लिमिट है बिल्कुल लेकिन अगर उनको और ज्यादा संसाधन मिले तो अगर बच्चों को अगर संसाधन जो है मिलेंगे या फाइनेंशियली अगर साउंड होंगे तो नो डाउट आई एम डैम श्योर कि द डे विल कम दे विल बी फर्स्ट रैंक। सर ने कहा कि हेलीकॉप्टर भी बना सकते हैं। यस डेफिनेटली ही इज ऑलवेज राइट एंड आई एम आल्सो इंश्योरिंग दैट द स्टूडेंट कैन मेक एनी काइंड ऑफ मशीनरीज फ्रॉम देयर ओन टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग्स। ओके सर, तो हाँ बताएं ये दोनों गाड़ियाँ जो बनाई हुई हैं मेनली इसमें सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सेकेंड ईयर को जो कि इसका बेसिक नॉलेज बहुत ही कम होता है क्योंकि आईसी इंजन और ऑटोमोबाइल ये मेनली हमारे बच्चे अभी थर्ड ईयर में ही इन्होंने सेकेंड ईयर में बनाया हुआ था। अभी थर्ड ईयर में गए हैं लोग, तो मेनली ये जो भी इसका बेसिक नॉलेज है वो हमको ऑटोमोबाइल में और आईसी इंजन में जो कि थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर मिलता है, मतलब बुक इस लैंग्वेज में, लेकिन उन्होंने सेकेंड ईयर में ही यूट्यूब के माध्यम से सीनियर्स के माध्यम से फैकल्टीज के माध्यम से इन्होंने ये जो नॉलेज गेन करके खुद से बनाया है, दैट इज़ वेरी एक्सेलेंट वर्क फॉर द स्टूडेंट्स। चलिए दिस इज द एडिशनल मतलब आपने इन्होंने क्षमता से ऊपर जाकर उससे ऊपर जाकर बनाया, क्योंकि हम लोग जो इवेंट में देखते हैं मेनली फाइनल ईयर एंड प्री फाइनल ईयर वहाँ इवेंट में होता है, दे आर द ओनली टीम व्हिच आर कंटेनिंग ओनली द सेकंड ईयर ओनली बोथ द नियर अबाउट 95% टीम्स आर फाइनल ईयर देयर। तो ये सभी लोगों को बधाई बहुत बहुत कि आप लोग इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये वो बेहतरीन गाड़ियां हैं जिनको आप फिल्मों में देखते होंगे लेकिन आज आप कैमरे पर देख सकते हैं। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।